राम राम भाइयों, तो आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में मॉन्ट्रियल से। तो अभी हम जा रहे हैं ओल्ड पोर्ट, है यहाँ पे मेट्रो स्टेशन। मैं आपको ये जो पीछे आप देख रहे हो मेरे, पूरा मेट्रो स्टेशन है। इसका मेट्रो स्टेशन का नाम है गे कंकोड़िया। तो यहाँ से अभी हम जाएंगे ओल्ड पोर्ट पे। और ओल्ड पोर्ट पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है। तो चलिए अभी चलते हैं। अभी हम कर रहे हैं मेट्रो का वेट, जैसे ही आएगी मेट्रो फिर हम मेट्रो में बैठ के आपको दिखाएंगे यहाँ की मेट्रो। ये है यहाँ का मेट्रो स्टेशन, यहाँ पे आती है मेट्रो। और अगर हम इधर की बात करें, ये पूरा ही पूरा यहाँ पे जो है ना मेट्रो स्टेशन है, 3 फ्लोर तक का। अभी मेट्रो आएगी तो हम मेट्रो में चलेंगे अंदर से और दिखाएंगे आपको यहाँ की मेट्रो भी कैसी होती है। और ले लें उनको, ये यहाँ का एक मेट्रो स्टेशन है जहाँ पे हमने उतरना है। और स्टेशन का नाम भी आप लोगों के सामने ही लिखा हुआ है। और अगर मैं बात करूँ ट्रैक की, तो ट्रैक भी यहाँ पे बिल्कुल साफ़ और सुथरा है। हम जा रहे हैं पोर्ट पे, जो ओल्ड पोर्ट है। यहाँ पे लगभग 100 साल पुराना जो पोर्ट है, जहाँ पे ओल्ड मॉन्ट्रियल था जिस टाइम पे, तो वहाँ पे हिस्से ही सब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हुआ करता था उस पोर्ट से। अभी वो पोर्ट हो चुका है बंद, जाके देखते हैं उस पोर्ट की कंडीशन, क्योंकि मैं भी वहाँ पे पहली बार ही जा रहा हूँ। चलिए चलते हैं, और तब तक आप कुछ शॉर्ट्स के नज़ारे लीजिए रास्ते में, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनके। तो अभी चलते हैं हम पोर्ट की तरफ, ठीक है जी। और जैसे यहाँ पे आपको पता ही है, हर प्रोविंस की अपने अलग झंडा होता है। तो कनाडा के साथ क्यूबेक का एक झंडा, और ये एक पुरानी चर्च। इसके साथ यहाँ पे भी एक बहुत पुरानी बिल्डिंग है काफ़ी खूबसूरत। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप सभी को वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है जी। अभी चल रहे हैं हमें आगे की तरफ, तो मिलते हैं आपको पोर्ट पे जाके और दिखाते हैं आपको पोर्ट का रास्ते में हमें क्या क्या दिखाई देता है। यह है रास्ते के कुछ दृश्य। अभी हम आ गए हैं ऊपर, जहाँ से मैंने आपको ये बिल्डिंग दिखाई थी जो नीचे खड़े होकर दिखाई थी। और साथ में यहाँ पे एक स्टैचू बना हुआ है। और ये यहाँ से कुछ व्यू है पोर्ट के रास्ते में, जो जगह पड़ती है यहाँ पे सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं। और जो दूसरी बिल्डिंग दिखाई थी आपको, वो ये रही मेरे सामने। और अभी चलते हैं आगे की तरफ, दिखाते हैं आपको। और ये अभी जा रहे हैं आगे की तरफ, देखते हैं। और ये वही साथ में क्यूबेक और कनाडा का फ्लैग एक साथ, और वो एक स्टैचू और है मेरे सामने, आप देख पा रहे होंगे। प्लीज़ आपसे बार बार रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, वीडियो देखते हो लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप सभी को वीडियो कैसी लग रही है और आप नेक्स्ट वीडियो किस तरह की देखना पसंद करोगे। अभी जा रहे हैं पोर्ट की तरफ, और ये देखिए यहाँ पे सिंग करते हुए।
ऐसे ही एक और ओल्ड बिल्डिंग, ये ओल्ड पोर्ट काफ़ी पुराना है, लगभग 100 साल पुराना। तो इसके रास्ते में जितनी भी बिल्डिंग्स आपको दिखाई देती है वो सभी ओल्ड ही हैं, लगभग लगभग 100 से 150 साल पुरानी जो बिल्डिंग हैं वो सभी ओल्ड पोर्ट के रास्ते में पड़ती हैं। तो अगर आप वीडियो देख रहे हो तो एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप सभी को वीडियो कैसी लग रही है। और अभी यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पे गांव देहात में जादू का खेल दिखाया जाता है, सेम वैसे ही यहाँ पे भी एक प्ले चल रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ आगे प्ले, तो एक कुछ इस टाइप का प्ले यहाँ पे हो रहा है। थोड़ी देर आप कीजिए इसे एंजॉय, फिर चलते हैं आगे कोर्ट की तरफ। तो देखते हैं भाई साहब क्या करतब दिखाते हैं यहाँ पे, बने रहिएगा वीडियो में और एंजॉय कीजिएगा। हेलो हेलो हेलो, हिम्मत। Are you from India? Yep. Are you really from India? Yes. India or India from Mississauga? Yes. India, real India. Really from India? Yep. How do you say torch? Torch, battery. Anybody speak German? Just if you speak German or Russian, habla Germano or Russiano. It's okay, don't worry. Okay. तो बेसिकली ये भी कह रहे थे कि मैंने बोला कि मैं इंडिया से हूँ, तो यहाँ पे ब्रैम्पटन में आजकल इंडिया जैसा ही माहौल बना हुआ है, तो ये पूछ रहे थे रियल इंडिया से हो या ब्रैम्पटन इंडिया से हो। इन इंग्लिश दिस इज कॉल्ड टॉर्च, दैट्स जस्ट अ लिटिल मोर एनर्जी, ओके, बेटर। इन इंग्लिश टॉर्च, टॉर्च, आप फ्रांस से Torch. Un bon québécois, grosse torche. In Spanish, torcho. India. Mashal. 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 Torch. Hey, Cameroon. Cameroon, big bamboo. Okay, in English, gas. But in fact, staying with the program, I see you using it. Gas! Gas! En français, gas! Gas! Spanish, gasolina. If you're from Mexico, tequila. Korea, soya sauce, extra strong, okay? And now, soya, I'm going to put the gas on a torch. I'm going to count to three. When I light the fire, to the mouth. Everybody, you're going to go, woo! Les Québécois, j'allume le feu, tous les Québécois, swing la bécaisse dans le fond, la boîte à bord, faites n'importe quoi, faites du bruit en masse. Latinos, hola, hola señorita, habla poquito español, bienvenidos a Montrealos. Buenos nachos, tostitos, doritos, tabasco, and you know what. So, in the Latinos, when I light the fire, just make a lot of noise. And it is our fault. All the kids. I see a lot of kids here today. Les enfants. This is very dangerous. Les enfants,
joue jamais avec le feu chez vous. Kids, never ever play with fire at your house. Do it at the school next to your house. There you go. I guess, are you ready? It's one show. Are you ready? Yes! Les Québécois, vous tenez le corps avec deux mains, puis appuyez à tout le monde, deux mains, that's good. Korea, little saxophone, yeah, America, looks like you're fishing, but it's okay, good job. Okay guys, one, two, three, two more, woo! Watch. Guys, sir, with the arms crossed, hello, where are you from? Texas! Hey! No words. In Quebec, you say, in Montreal, you say, I love you. And the Québécois, I wave up to you too. And in Texas, how do you get in the truck? Okay, guys, I'm going to put two torches. Can you guys put double the energy? Just to listen, I'm just going to play. Now, guys, I'm going to ask you a question. Do you want to see something dangerous? Say, yeah! Yeah! The jungle. Yes! That's
देखा आपने यहाँ पे एक चौरा था ऐसे एंटरटेनमेंट के लिए, तो जैसे हमारे यहाँ पे जादू का शो होता है और वो एंड में रहता कुछ नहीं है, तो सेम यहाँ पे भी एक म्यूजिकल शो ऐसे ही चल रहा था जो कि लोगों को एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे बना हुआ था। तो हम चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको नेक्स्ट डेस्टिनेशन जहाँ पे हमें जाना है, जिसका नाम है ओल्ड फोर्ट। ये एक बड़ी सुंदर सी स्ट्रीट बनी हुई है यहाँ पे फूलों से, अगर दिखाऊँ मैं आपको तो ये सब ओरिजिनल फूल हैं, ना कि नकली वाले। तो ये ओरिजिनल फ्लावर्स की एक स्ट्रीट है जो कि ओल्ड फोर्ट पे ही है। और यहाँ पे कुछ शॉप्स और स्टॉल्स लगे हुए हैं फॉर गर्ल्स थिंग्स लाइक रिंग्स हैं, ईयर रिंग्स हैं, सब कुछ यहाँ पे आपको अवेलेबल है। कुछ पेंडेंट्स हैं सेम, यहाँ पे कुछ बैंगल्स और कड़े अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये एक स्टॉल है यहाँ पे। फिर से यहाँ पे ईयर रिंग्स एंड नेकलेस एंड पेंडल्स। ये जो आप स्ट्रीट मेरे सामने देख रहे हो ये है ओल्ड मॉन्ट्रियल स्ट्रीट। यहाँ पे हैं फ्लैग्स और ओल्ड मॉन्ट्रियल की ये सबसे पुरानी स्ट्रीट है, इसे ओल्ड पोर्ट मॉन्ट्रियल स्ट्रीट के नाम से भी जाना जाता है। तो चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं और एक सामने बड़ा सा रिंग है झूला। तो चलते हैं वहाँ पे और देखते हैं उसे भी कैसा है वो। अभी चलते हैं हम पोर्ट की तरफ। यहाँ पे सेम यहाँ पे है ट्रेन ट्रैक, अगर मैं बात करूँ तो इधर अगर आप देखोगे तो ये ट्रेन ट्रैक है ओल्ड पोर्ट पे, और सामने कुछ ऐसा दिखाई देता है। रोलर कोस्टर बोल देते हैं जिसे शायद, आई थिंक, पता नहीं मैं गलत हूँ नहीं हूँ बट मुझे इसका नाम सही से नहीं पता, लेकिन काफ़ी ऊंचा झूला है। और यहाँ पे और ये नीचे बोटिंग। ये जी वो ओल्ड पोर्ट मॉन्ट्रियल का जो अब से 100 साल पहले वर्किंग में था, लेकिन अब ये पोर्ट बंद हो चुका है। तो यहाँ पे है ओल्ड पोर्ट, अभी दिखाएंगे आगे जाएंगे हम इन रोड से। और ये इधर है और इधर चल रही हैं फेरीज़। और अगर आपको दिखाई दे रहा होगा ना, जो अगर मैं जूम आउट करता हूँ, जो आपको क्रेन्स दिखाई दे रही हैं वो बड़ी बड़ी सी, उधर है मॉन्ट्रियल का नया पोर्ट जो अभी करंटली वर्किंग में है, तो वो है नया पोर्ट। और अब आज हम आए हैं ओल्ड पोर्ट पे घूमने के लिए। चल दिए आगे की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं आपको ओल्ड पोर्ट कैसा था। सामने देख रहे हो ना, वो है पुराना पोर्ट जो सामने दिखाई दे रहा है आपको। और अभी उस तरफ है नया पोर्ट जो कि यहाँ से थोड़ा दूर है, मतलब 2-1 किलोमीटर के आसपास तक। और मेरे सामने जो आप देख रहे हो, आई थिंक राउंड सा अगर आपको दिखाई दे रहा है वीडियो में, काफ़ी दूर है, मैंने जूम इन भी किया है। और आप देखिए, अगर आपको इस जगह के बारे में पता है मॉन्ट्रियल की और आप ये जगह भी देखना चाहते हो इन फ्यूचर, तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि उस जगह के बारे में भी हम वीडियो आगे इन फ्यूचर ज़रूर बनाएंगे, अगर आप सपोर्ट दिखाओगे और कमेंट करके बताओगे।
ये है जी पुराना पोर्ट। यहाँ पे खड़ी है फेरी जो कि अभी चलने के लिए रेडी है, और यहाँ पे लगा करते थे बड़े बड़े शिप्स आके, जो शिप लोड और अनलोड होते थे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए जो काम आते थे। तो ये पूरा स्पेस जहाज़ों के लिए बना हुआ था, और वहाँ पे भी था, उसका मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन है पुराने पोर्ट का ही एक पार्ट। वहाँ पे भी पार्किंग बनी हुई है शायद, जितना मुझे गाड़ियाँ वहाँ पे लगी हुई दिख रही हैं। ये खड़ी हुई है यहाँ पे फेरी जाने के लिए, जो कि आपको पूरी इसके एक राउंड लगा के आती है। ये जो छोटा टापू देख रहे हो ना, इसके पीछे से घुमा के आते हैं लोग। और अभी यहाँ पे खड़ी हैं स्पीड बोट्स काफ़ी सारी, जिनके अलग अलग प्राइस हैं, जो कि पूरा राउंड लगाती हैं यहाँ पे। तो आई थिंक यही था यहाँ पे। तो ये यहाँ पे खड़ी हैं बोट्स, और ये हैं उसके पैसेंजर जो कि टिकट लेके यहाँ से बोट में होंगे सवार, और फिर ये बोट जाती हैं आगे की तरफ। और इधर खड़ी हैं स्पीड बोट सारी की सारी। ये है एक रियल एंकर जो कि बड़े बड़े जहाज़ों को रोकने के लिए काम आता है ना। तो आई थिंक ये इतना भारी है, तो मेरे हिसाब से 10 बंदे तो इसकी चेन भी नहीं ला सकते। अगर हम बात करें तो ये बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत ज़्यादा, और बहुत ही ज़्यादा बड़ा है ये एंकर। हाँ जी, तो अगर आप लोगों को लगी है वीडियो अच्छी, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सभी को वीडियो कैसी लग रही है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको किसी और एक नए टॉपिक के साथ किसी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।